अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंडर्स ऑफ साइंस क्लास टू। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह है यूनिट टू की एक्सरसाइज पेज नंबर 19। फर्स्ट जो था वो है नेम सम ऑफ द होम दैट एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव। वो कौन कौन से जानवर या बर्ड्स हैं कि उनके घरों के कौन से नेम हैं, नेम्स बताने हैं कि घर एनिमल्स और बर्ड्स के कौन से घर होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही वर्कशीट एक बनवाई थी जब हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एनिमल डिस्क्राइब बिलो। हमने जो है एनिमल के बारे में जिस एनिमल के बारे में यहाँ लाइंस लिखी हैं उसके बारे में बताना है कि कौन सा एनिमल है। इट्स ईयर्स आर लार्ज एंड सेट हाई ऑन द हेड। इसके जो कान हैं वो बड़े होते हैं और सर के ऊपर होते हैं। वो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके कान बड़े होते हैं और सर के ऊपर होते हैं, वो होता है डॉग। दे यूज स्पेशल सेंस ऑफ हेयरिंग टू फाइंड आउट वेयर एन ऑब्जेक्ट इज। जो एनिमल स्पेशल सेंस ऑफ हेयरिंग को इस्तेमाल यूज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, वो होता है बैट। They do not have external ears. वो कौन सा एनिमल है जिसके जो है बाहर की तरफ कान नहीं होते, वो होता है स्नेक। It has large ears and excellent hearing. वो कौन सा जानवर है जिसके बड़े कान होते हैं और जो बहुत अच्छा सुन सकता है, वो है एलिफेंट। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि आप खुद करेंगे कि आपने क्या करना है इसमें एनिमल्स जो है उनके साउंड्स के साथ मैच करना है। जैसे कि बर्ड जो है वो क्या करता है, बर्ड्स करता है ट्वीट करता है, ठीक है। बर्ड जो है वो ट्वीट करते हैं, काओ क्या करते हैं वो करते हैं मो, ठीक है। आपने इनकी साउंड के साथ जो है बर्ड्स का नेम्स को जो है वो मैच करना है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर दीज एनिमल यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए जो जानवर है वो किस तरह यूजफुल हैं, ठीक है। अ हैन यू गिव अस डैश एंड डैश। जो मुर्गी है वो हमें क्या क्या देती है, एग्स देती है और मीट भी देती है। अ काओ गिव अस डैश एंड मिल्क एंड डैश, ठीक है। जो काओ है वो कौन कौन सी चीज़ें उनसे हमें मिलती हैं, एक तो मिल्क मिलता है और दूसरा क्या, मीट। अ गोट गिव अस डैश एंड डैश। जो बकरी है उससे हमें क्या कुछ मिलता है, वो पहला तो क्या है, मिल्क एंड देन मीट। अ हॉर्स हेल्प अस कैरी डैश एंड डैश। जो घोड़ा है वो हमारी मदद करता है लोड को उठाने के लिए, कैरी लोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो हॉर्स हमारी हेल्प करता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज समझ आई होगी। अब आपने इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है और इसको समझना है, इसको याद करना है कि ये किस तरह से हम क्या क्या इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है। थैंक यू।